सभी किसान भाइयों को राम राम से प्रेम नमस्कार। छोटे से ब्लॉक्स में फिर दोबारा आप सबका स्वागत करते हुए और हमारे पास में फिर दोबारा एक स्टॉक आ चुका है। देख लीजिए, न्यूट्रिक पिक फिट ग्रोवर हम जो खिला रहे हैं आज के डेट में, और इसकी क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं। छोटी वाली ये वाली क्वालिटी है इनका, और एक है पिगी रिच वाले जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका स्टॉक भी अवेलेबल है हमारे पास में, तो मैं इनको लेके आया हूँ। और फॉर्म की ओर चलते हैं और थोड़ा सा मैं आपको उनकी जो ग्रोथ है मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, तो इनकी वजह से कितना ग्रोथ होता है वो आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं फॉर्म की ओर। फॉर्म जो है हमारा घर से थोड़ा सा आगे, जैसे कि 50 मीटर के लगभग में है इनको। तो आजू बाजू जो है मैंने जैसे गर्मियों के लिए जो केले के पत्ते हैं या फिर छांव के लिए, तो हमने इनको यहाँ चारों तरफ जैसे मान के चलिए जो खेत के बीच में हमने बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मादाएं हैं यहाँ पे रुकी हुई है ये, क्योंकि हमने इस उनको दाना दे दिया ऑलरेडी दाना के बाद में। और बीच में आपको बताया था जैसे इनको हमने बच्चों लोगों को अलग कर दिया है। तो देख लीजिए इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ हो रही है, और ये दाने पर ही चल रहा है हमारा फॉर्म। अच्छी तरीके से दिखा देते हैं आपको, ये देखिए अभी खा के एकदम मस्त ये लोग खेलेंगे, थोड़ी देर में सो जाएंगे इनको लेकर। तो सभी भाई लोग पूछते हैं कि क्या पिगलेट अवेलेबल है कि नहीं है, और बार बार यही सवाल रहता है हमारा। तो जैसा कि मैं बताया हूँ आपको कि पहले कि जब जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो हमारे पास में पिगलेट अवेलेबल होते हैं तभी मैं बनाता हूँ इस चीज़ को लेकर, और अवेलेबल है तो मैं अवेलेबल ही बोलता हूँ। और तो हमारे यहाँ पे जो मादा है वो अभी भी अवेलेबल है, और जो ये वाले तो लोकल है, मैं इनको प्रेफर नहीं करूँगा पहले भी चीज़ को लेकर कि प्रेफर नहीं होगा। तो ये हमारे एक बोर है जो यहाँ पर हमको हम अकेला करवा दिया है इनका, और जो सेट के लिए हमने पहले ही बता दिया था यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ है इसको खोली खोली करके बनाया है, 1-1 भाग के लेके बनाया हुआ है। तो कल भी हमारे किसी मेरे दोस्त किसी भाई ने फ़ोन किया था और कह रहे थे कि आप पिगलेट्स अवेलेबल है कि नहीं है। तो पिगलेट्स हमारे पास में अवेलेबल है, और आप एक काम कर सकते हैं मेरे वेबसाइट में जाके durocpickfarm.in में जाके आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। आप उस वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं कितने हमारे पास में ब्रीड अवेलेबल है या नहीं, या उनकी क्या क्या क्वालिटी है, क्वांटिटी उस पर हमने दे रखा है। तो आप उसके माध्यम से, मेरे वेबसाइट के माध्यम से मुझ तक मैपिंग के थ्रू भी आप पहुंच सकते हैं। किसी को दिक्कत हो जाती है, किसी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सब्सक्राइबर लोगों को कि आपका एक्चुअली है फॉर्म कहाँ पर, तो हम जो प्योर ब्रीड है वो ले पाएं। और ये जो इनकी जो सीमेंस आया हुआ है मैं आपको बता दूं, ये जो नेपाल के जो भाई थे जो काम करते थे वो ऑलरेडी अमेरिका में काम करते थे, तो वहां से वो सीमेन लेके आए हैं आपको पोखरा में। पोखरा से सीमेन लेके आके आपको जो इनका बच्चा है वो पोखरा में बनाया गया है। बनाने के बाद में जो इनका जो ये पिगलेट्स है वो मैं वहां से जो है यहाँ लेके आया हूँ इम्पोर्ट करके। तो आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी क्या है इनमें। तो बीच में जैसे कि हमने लैंडर्स लाने का वादा किया था, तो लैंडर्स हम कुछ दिन के बाद में लाएंगे। तो जो है इनके साथ में बाद में जो फीमेल रह जाएगी उनके साथ में हम क्रॉस करवाएंगे लैंडर्स के लिए, तो वो भी हम प्रिपेयर कराएंगे मेरे भाई और दोस्तों लोगों को। तो कई बार बोलते हैं कि नहीं आपके सुअरों में जो है कि थोड़ा बॉडी टाइप का ग्रोथ नहीं है, जैसे बॉडी बिल्डर का ग्रोथ नहीं है, तो क्या ये ओरिजिनल है कि नहीं है। देखिए ये वाली जो है वर्ल्ड वाइड पे आप कहीं पे भी जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि क्वालिटी कैसी रहती है, उनकी बॉडी ग्रोथ कैसी रहती है। तो ये होता है उनके ऊपर स्ट्रक्चर का देखना, और इनका कितनी जल्दी कितना वेट गेन करता है ये भी उनके ऊपर देखना होता है, और इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है कैसा रहता है, कान आगे झूले रहते हैं इनके, जैसे फीमेल के निप्पल कितने होने चाहिए। तो ये सब चीज़ भी आप जो मेरे पीछे वाले वीडियो में बना के रखा है आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप किसी भाइयों को पूछना है बीमारी के बारे में या इनके बारे में तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरा जो वेबसाइट है जैसे कि मैं बताया durocpickfarm.in पर आप जाके मेरे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं।
तो इसी तरीके का मैं छोटा मोटा वीडियो जो है कि अपलोड करता रहूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ से पिगलेट ले जाएं, ले जाने के बाद में अपने फॉर्म में ऐड करें, तो ये एक बेहतरीन और सुनहरा मौका रहेगा जो आप हमारे यहाँ से ले जाके आप ऐड कर सकते हैं। और आज तक जितने भी मेरे से मेरे किसान भाइयों लोग या फिर मेरे सब्सक्राइबर लोग मेरे से जो सुअर के बच्चे ले गए हैं या ड्यूरोक के ये पिगलेट्स ले गए हैं, तो आज तक इनका जो कंप्लेन मेरे पास नहीं आया है। तो आप अगर सोचते हैं कि मैं आपको सिर्फ डुप्लीकेट या बोल के ये सब चीज़ें जो है ड्यूरोक अब मैं आपको बेच रहा हूँ, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बहुत ही गलत बात है जिससे कि मैं आपको गलत चीज़ें दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, 110% जीन्योर ही मैं माल देता हूँ आपको। और ऐसा है कि मेरे जितने भी किसान भाई लोग हैं, ऐसा है कि मैं नहीं कहता हूँ कि मुझसे देख के सीखे या कुछ करे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है वहीं आप लोकल पालेंगे एक साल तो हो जाएगा 50 से 60 केजी, वहीं आप ड्यूरोक पालेंगे तो 6 महीने 7 महीने के अंदर में हो जाएगा 100 केजी। तो प्रॉफिट जिस पर बैठता है आप उस पर करो। हाँ, लेकिन ये चीज़ एक चीज़ है जो खासली मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ क्या बोलते हैं दाने पर ही काम चलाएंगे तो ऐसा नहीं है। आप कुछ भी चीज़ इस पर मिक्स कर सकते हैं, मिक्स दे सकते हैं, और इनको खाना जितनी जल्दी आप अच्छे तरीके का देंगे, न्यूट्रिशन इनको गेन करेंगे, तो उतनी तरीके से इनका जो बॉडी वेट है वो गेन होता है। तो जितना आप खाना अच्छे तरीके से देंगे, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे इनको, तो ये बॉडी वेट भी उसी तरीके से गेन करता है। कई भाइयों को लगता है कि बस यहाँ से ले जाएंगे, ले जाने के बाद में जो दाना देना है दे देंगे तो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनके जो बॉडी वेट के लिए भी आपको काफ़ी चीज़ें कुछ करनी पड़ती है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स ये सब देना पड़ता है, विटामिन मिनरल्स, और बीच बीच में जैसे इनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इनको हाल ही में 2 दिन पहले या 2 दिन आगे में मैंने इनको ये बच्चों को अभी आयरन का इंजेक्शन दिया था, आयरन और विटामिन का। तो ऐसा होता है कि बीच बीच में इनका आयरन विटामिन का इंजेक्शन है वो सब देना पड़ता है, इनको कैरी करना पड़ता है। तो इसी तरीके का मैं छोटा मोटा वीडियो लाता रहूँगा। जो भी मेरे भाई किसान भाई लोग मेरे साथ में बैठे हुए हैं, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं सबको अनुरोध करूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब काइंडली ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके साथ तो जुड़े हैं और कोई किसान भाइयों के साथ में और ज़्यादा जुड़ सकते हैं इस चीज़ को लेके। और कोई हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और सभी लोग कहते हैं कि क्या ये चीज़ प्रोवाइड होगा या फिर आप डिलीवरी कर पाएंगे। देखिए, डिलीवरी का जो है मैं कर नहीं पाऊँगा, एक्चुअली मैं बता दिया आपको कि एक ऑफिस भी काम है हमारा, तो ऑफिसल में काम करना पड़ता है हमको, दुकान भी है वो भी देखना पड़ता है, खेती का सीज़न का काम है वो भी करना पड़ता है। तो आप आइए और मेरे जो फॉर्म को विजिट कीजिए, और मैंने जो वेबसाइट बना रखा है वेबसाइट पर भी आप मेरे को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद में मैप दे रखा है, मैप के थ्रू से आप आके हमारे फॉर्म में विजिट कर सकते हैं। जो फॉर्म है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, पर मैं जो माल आपको प्रोवाइड करूँगा वो बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोवाइड करूँगा। तो मैं बोल के नहीं देता हूँ आपको, आपको माल देख के ही देता हूँ मैं। आइए और देखिए, जो इनकी क्वालिटी है वो देखिए, देने के बाद में आप ले जा सकते हैं इसको। और जिनको अगर अच्छा नहीं लगा वो भी आके आप विजिट करके मेरे फॉर्म पे जा सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि फॉर्म कोई लोग होते हैं कि फॉर्म विजिट करना नहीं देते, अरे यार दूर से ही बच्चा निकाल के दे दिया आपको, और जो मादा है वो भी नहीं दिखाई देते हैं, या उनके जो मान के चलिए बोर है वो भी नहीं दिखाते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई यही बच्चे ले लो बोल के। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे फॉर्म पे आइए, विजिट कीजिए, बच्चों को देखिए कौन सा अच्छा आपको लगा है वो उठाइए और ले जाइए। तो इतनी फैसिलिटीज आप दे रहे हैं। फिर एक बार कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं, या फिर आप मेरे जो है वेबसाइट पे भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके का मैं छोटा मोटा वीडियो मैं आपके साथ में साझा करता रहूँगा और आपके समक्ष आता रहूँगा। और मेरे इस छोटे से ड्यूरोक पिक फॉर्म को अब वीडियो का अंत करते हुए आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ में जुड़ना चाहूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय सियाराम।